नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीज़न है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो UPSC कंडक्ट करवाती हो, SSC कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट PSC कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज़ रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है, फिर चाहे आप UPSC के लिए करें प्रिपेरेशन या फिर SSC के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट PSCs के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊँगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊँगा, तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ़ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.straightzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने क्रिएट की हैं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने PDF इस्तेमाल किया, आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी लेकिन मैंने जो ये PDF है इसमें काफ़ी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है PDF का वो भी वहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा काफ़ी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर IES वाली बुक, वो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है उसकी पूरी लेक्चर सीरीज़। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज़ अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो इन सारी सीरीज़ को भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777, आप इसके थ्रू इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए हैविंग सेड दैट आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। तो अभी जैसे आपने देखा कि आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक या सेक्शंस दिए हुए हैं जिनको इस बुक में कवर किया गया है। एक बार नज़र मार लेते हैं सो दैट हमें क्लैरिटी रहे कि जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनका ऑर्डर क्या रहने वाला है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा विजुअल आर्ट्स के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो ये विजुअल आर्ट्स के ऊपर हमारा सबसे पहला सेक्शन रहने वाला है। विजुअल आर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, राइट? तो इसमें उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है दैट इज़ अबाउट दी इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी के बारे में, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी आर फर्स्ट चैप्टर जो कि सबसे बड़ा है और सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अबाउट दी इंडियन पेंटिंग्स, तो ये जो इंडियन पेंटिंग्स वाला चैप्टर अगेन ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके सारे जो पेंटिंग्स का बैकग्राउंड है वो है, उसके बाद जो इंडियन पेंटिंग्स को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग पीरियड के हिसाब से उनके बारे में दिया हुआ है, फोक पेंटिंग्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम कवर करेंगे।
थर्ड इज गोइंग टू बी इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर रहेगा। हैंडीक्राफ्ट में आपका क्या आता है, जैसे कि कोई कोई ऐसा क्राफ्ट जो कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे महेश्वरी साड़ीज हो गई, पश्मीना बुल हो गया, तो उस टाइप के, या फिर स्टोन बियर्स हो गए, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट हो गया, फ्लोर डिजाइन हो गए, तो उन सब के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर प्रिपरेशन को कम्प्लीट करना है तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फोर्थ इज गोइंग टू बी यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजेबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को जो कि एक यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, 17 में से एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके द्वारा टेंजेबल और इनटेंजेबल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी टेंजेबल हेरिटेज साइट है जिनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे और उनको हम कवर करेंगे लोकेशन वाइज। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर हम बात करते हैं, इसमें नेचुरल साइट्स आती हैं, कल्चरल साइट्स आती हैं और कुछ मिक्स्ड साइट्स भी आती हैं, और अब तो इन लोगों ने सिटीज वगैरह को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और जैसे यहाँ पे मैंने ये मैप दिया हुआ है, इसी तरीके से इस पीडीएफ में जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा, चाहे फिर किसी का मैप हो या इमेज हो क्लैरिटी के लिए, उनको हम कवर करेंगे। नाउ सेक्शन बी जो है, पहले वाले सेक्शन में चार चैप्टर हैं, सेक्शन बी है दैट इज अबाउट दी परफॉर्मिंग आर्ट, जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपका आ जाता है सबसे पहला म्यूजिक। तो जो इंडियन म्यूजिक है उसके दो जॉनर हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक, दूसरा है क्लासिकल म्यूजिक, सॉरी एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है आपका कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल होता है, फिर मॉडर्न म्यूजिक में क्या मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए, उन सब के बारे में है। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा इसमें चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट द इंडियन डांस फॉर्म। तो इंडियन डांस फॉर्म में जितने भी क्लासिकल या फोक डांसेज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको कवर करेंगे। जैसे कि अगर डांस फॉर्म की बात करें क्लासिकल डांस फॉर्म की, तो 8 डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी एंड सात्रिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी इंडियन कल्चर थिएटर। इंडियन थिएटर यानी ये थर्ड चैप्टर है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स में, इसको भी परफॉर्म किया जाता है थिएटर्स में। थिएटर में अगर हम देखें, जैसे मंच हो गया, है ना, जो रीजनल थिएटर्स होते हैं या जो नेशनल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थिएटर्स हैं, फोक थिएटर्स हैं, मॉडर्न इंडियन थिएटर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आप पिक में देख सकते हो, ये सारे थिएटर फॉर्म्स हैं जो कि परफॉर्म किया जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी इंडियन पपेट्री। तो इंडियन पपेट्री के चार इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, किस बुक में उसका उल्लेख किया गया है, राइट, तो इन सब के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑन इंडियन सर्कस। तो अगर इंडियन सर्कस की हम लोग बात करें, इसमें ये जो एक टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट प्रिपरेशन को होलिस्टिक करने के लिए इस बुक में दिया गया है। इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो इसमें आपके सारे जो अभी हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, इंटेंजिबल हेरिटेज। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे बुद्धिस्ट चेंटिंग है, या फिर रमन है, रामलीला है, कालबेलिया है, छाऊ डांस है, संकीर्तन है, ठीक है ना। तो इन सारे फॉर्म्स के बारे में, ये जो इंटेंजिबल फॉर्म्स हैं कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं या फिर इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, और जैसे इस मैप में बताया है इसी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी थर्ड सेक्शन। पहला सेक्शन हो गया विजुअल आर्ट, सेकेंड हो गया आपका परफॉर्मिंग आर्ट, एंड थर्ड वन इज दी कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसमें कल्चर ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, इंडिया के कल्चर की, कहीं का भी जो कल्चर होता है वो कैसे डिफाइन होता है वहाँ की लैंग्वेजेस से। तो सबसे पहले इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेंगे, इसके ऊपर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, उनकी क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, उनमें क्या विषमताएँ हैं, क्या डिफरेंसेज हैं, तो इन सब के बारे में बात करना है इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी लिटरेचर। तो ये इसका थर्ड चैप्टर रहने वाला है कल्चर ऑफ इंडिया में। पहला हमारा लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, तीसरा हो जाता है लिटरेचर, कि कौन कौन सी ऐसी लिटरेचर है जो एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करती है, मेडिवल इंडिया से बिलोंग करती है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई लिटरेचर क्या है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी यानी इंडिया में जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, ठीक है ना, आस्तिक, नास्तिक,
ठीक है, और उसमें भी अगर हम कैटेगरी करते जाते हैं तो टोटल इस तरीके से 9 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, जिसमें से 6 वाले जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक यानी जो कि वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं, नास्तिक जो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। नहीं मानने वाले आपके 3 रिलीजन हैं उनके बारे में, सॉरी 3 फिलोसफिकल स्कूल हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका। और आस्तिक के बारे में बात करेंगे हम लोग तो इसमें थीस्टिक और एथीस्टिक आ जाता है। थीस्टिक मतलब जो गॉड में माने और एथीस्टिक जो गॉड में नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने ये आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही बस इस सीरीज़ का यही फ़ायदा होगा कि हर एक लेक्चर को हम लोग इसी तरीके से पिक्चर्स और ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इंडियन सिनेमा, अगर हम इंडियन जो इसका जो अगर हम कल्चर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो और किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है, इंडियन सिनेमा से रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है इंडियन सिनेमा, और इंडियन सिनेमा से इंडियन सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो उस कोरिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू दी एजेस, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेदास या अर्ली वेदिक या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से टिल दिस मॉडर्न टाइम तक क्या डेवलपमेंट हुए साइंस एंड टेक्निकलॉजी की फील्ड में, स्पेशली फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बारे में बात करेंगे। तो वेदास टू दिस टेक्नोलॉजिकल एज। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी कैलेंडर्स इन इंडिया, कौन कौन से कैलेंडर इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सताएरा, विक्रम एरा वाला, ठीक है ना। तो इन सारे कैलेंडर्स की सारी पहले तो बैकग्राउंड डिटेल्स जानेंगे और उनकी स्पेसिफिक बातें देखेंगे। जैसे कि ये हिंदू कैलेंडर है जिसके महीने कैसे होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, असद, श्रवण, जबकि हम लोग आज के टाइम पे कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है कल्चर ऑफ इंडिया में, दैट इज़ फेयर्स एंड फेस्टिवल, इंडिया के जो मेले होते हैं, जो उत्सव मनाए जाते हैं, तो कौन से रिलीजियस फेस्टिवल हैं, कौन से सेक्युलर फेस्टिवल हैं, ठीक है ना, जैसे तानसेन महोत्सव, खजुराहो फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल। तो इस तरीके से सारे फेस्टिवल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी अवार्ड एंड ऑनर्स स्पेशली इन दी फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी लॉ एंड कल्चर, व्हाट इज दी कोरिलेशन बिटवीन दी लॉ एंड कल्चर, हाउ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम दी कल्चर, हाउ दी ऑब्जेक्टिव्स और दी पर्पस ऑफ लॉ एंड कल्चर्स आर एंटागोनिस्टिक और हाउ दे आर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, इस टाइप के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया, मार्शल आर्ट फॉर्म्स की जैसे अगर कुछ बात करें तो जैसे एक होता है आपका टंगता, राइट, आपने ये वाला सुना होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ये टंगता कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। सिमिलरली होता है कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू, तो एक ये एक और मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरीके का काफ़ी इंडिया में मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं और जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, तो विच आर दी इंस्टीट्यूशंस विच वर्क इन दी फील्ड टू प्रिजर्व दी कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और दी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो एक एक करके सारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है इस बुक में, तो उसको कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी कॉइंस इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, कॉइंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई कॉइंस, क्योंकि कॉइंस से हमें उस टाइम की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, कॉइंस की मदद से हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि उस टाइम की हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है डिपेंडिंग अपॉन दी बाकी जो कॉइंस होते हैं जिस टाइम के उससे, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किस एरा में आए थे, वो आए थे आपके गुप्ता एज में आए थे, राइट। तो इस तरीके से जो कॉइन्स हैं वो हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए हम उनको यहाँ पे पढ़ेंगे भी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंडियन कल्चरल, इंडियन कल्चर एब्रॉड, एब्रॉड में इंडियन कल्चर का क्या प्रोमिनेंस है, क्या क्या वहाँ पे किस तरीके से वो फैला हुआ है, फॉलोअर्स किस तरीके से हैं। तो यही सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम यहाँ पे इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड दी लास्ट वन इज गोइंग टू बी दी अपेंडिस, अपेंडिस में क्या दिया हुआ है कि कुछ लिस्ट दी हुई है, जैसे कि दिल्ली के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। दिल्ली जैसा कि आप लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, दिल्ली जो है 7 स्मॉल सिटीज का समूह है, जैसे कि आपका फिरोजशाह कोटला हो जाता है, शाहजहानाबाद हो जाता है ना, तो इस तरीके से ये 7 सिटीज को मिला के दिल्ली को बनाया गया है, क्लियर है।
तो इसके बारे में दिया हुआ है, और एक आखिरी में क्या दिया हुआ है, भक्ति और सूफी मूवमेंट के, भक्ति और सूफी मूवमेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर प्रीलिम्स की बात कर लें या फिर मेंस की ही बात करें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट अपेंडिक्स जो दी हुई है दैट इज अबाउट दी फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, इंडिया की ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिनने आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बात कही, जैसे कि दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय हो जाते हैं, विवेकानंद हो जाते हैं, ठीक है ना, और भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो योगदान है। लास्ट वन इज गोइंग टू बी दी कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, कि इंडिया में कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, जो इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे खजुराहो के मंदिर हो गए, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से आर्किटेक्चर दिखाते हैं जो कि आज भी इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। And the another appendix which is given here is about the recent geographical indications. जो geographical indications क्या होते हैं, एक तरीके से patent का ही form होता है, which is given to the natural or the product which is produced in any particular region. जैसे कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कश्मीरा पश्मीना होता है, ठीक है। अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे लखनऊ का जो चिकन हैंडीक्राफ्ट है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है, सो दैट जो ये इंडस्ट्री है उसकी कोई कॉपी ना कर सके और ये इसकी एक स्पेशल पहचान हो दुनिया में। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। यहाँ पे जैसे मैंने मैप के माध्यम से आपको सारे इंपॉर्टेंट GI टैग्स बताए हैं किस लोकेशन से हैं, तो इसी तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा कंटेंट वाला चैप्टर है कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, किस ऑर्डर में लेक्चर्स आएंगे, वो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम बात करेंगे अपने सबसे पहले सेक्शन की, सबसे पहले लेक्चर की, यानी टॉपिक की। इज़ दैट क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज़ है काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कम्प्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशन वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशन, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे straightzero1990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानियां।